नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, जब 20 दिन की बच्ची को नदी के तेज बहाव में डूबने से बचाने आई एक इच्छाधारी नागिन। दोस्तों, ये सच्ची घटना को दिखाने से पहले ही महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, ये घटना है उत्तराखंड के धनूर गांव की, जहां ज्योति नाम की महिला अपने पति और सास ससुर के साथ रहा करती थी। शादी के करीब एक साल के अंदर ही ज्योति गर्भवती हो गई, परंतु उसके सास ससुर नहीं चाहते थे कि घर में किसी पुत्री का जन्म हो। उनकी ये इच्छा थी कि घर में सिर्फ पुत्र ही हो, केवल एक पुत्र ही घर का वारिस बन सकता है। देखते ही देखते 9 महीने का समय गुजर गया और जिस बात का डर था वही हुआ, घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। इस बात से सास ससुर ना खुश थे। सास ससुर ने एक योजना बनाई कि जब आज रात सब सो जाएंगे तब हम उस बच्चे को जान से मार देंगे। ये सब ज्योति ने सुन लिया। इसे सुन वो चकित हो गई और डर भी गई। उसने तुरंत ये बात अपने पति मुकेश को जाकर बता दी। जब उन दोनों को कोई मार्ग नहीं दिखाई दिया तो वे अपनी बच्ची को माँ दुर्गा को समर्पित कर देंगे। उन्होंने ऐसा ही सोच लिया था क्योंकि माता ही इस बच्ची की रक्षा कर पाएंगी। फिर भी दोनों योजना अनुसार जल्द ही सुबह उठकर उस बच्ची को गंगा घाट ले गए। उस बच्ची को टोकरी में रखकर महादेव और माँ दुर्गा को याद कर गंगा में बहा दिया और कहा, महादेव इसकी रक्षा बस आप ही कीजिए। बहाव तेज होने के कारण बीच बीच में नदी का पानी टोकरी में आ रहा था। तभी वहां पर एक इच्छाधारी नागिन आई। उसने अपने शरीर से टोकरी को खुद लपेट लिया और टोकरी गंगा नदी के किनारे की तरफ ले जाते हुए उत्तराखंड के दूसरे गांव श्यामपुर जाकर पहुंची, जहां पर गंगा के घाट पर विमल और शीतल नाम के एक दंपति माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें काफी समय से संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। तभी उन्होंने देखा कि एक टोकरी उनकी तरफ बहती हुई आ रही है। उस टोकरी में एक नागिन भी लिपटी हुई है। पहले तो टोकरी देखकर वो दोनों डर गए कि कहीं वो नागिन उन्हें कोई हानि न पहुंचा दे। तभी उन्हें उस टोकरी से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। विमल और शीतल ने सोचा कि नागिन बच्चे को कुछ ना करे, इसलिए जैसे ही टोकरी किनारे की तरफ आई उन्होंने तुरंत उस बच्ची को उस टोकरी से ऊपर उठा लिया और वह इच्छाधारी नागिन भी किसी को कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहां से गायब हो गई। ये देख विमल और शीतल दोनों आश्चर्य में रह गए। उन्होंने बच्ची को गोद में लिया और एक दूसरे को कहने लगे, आखिर इसके माता पिता की क्या मजबूरी रही होगी कि उन्होंने एक छोटी सी बच्ची को इस तरह बहा दिया, परंतु इतने तेज बहाव में भी इस बच्ची को कुछ ना हुआ, ये कैसे संभव है, और आखिर उस नागिन ने भी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस पर शीतल ने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि वह कोई साधारण नागिन नहीं थी, कोई इच्छाधारी नागिन होगी तथा माँ गंगा और महादेव की कृपा हम पर हुई है कि हमें एक संतान की प्राप्ति हुई है। बेशक ये हमारी बच्ची नहीं है, परंतु फिर भी हम इसकी परवरिश बिल्कुल इसके माता पिता की तरह ही करेंगे। विमल भी शीतल की इस बात से खुश था और वे दोनों उस बच्ची को घर ले आए, उसका पालन पोषण करने लगे। दोनों उस बच्चे का बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर खुशी का ध्यान रखते। धीरे धीरे कर बच्ची बड़ी हुई। बच्ची पढ़ने में काफी होशियार थी, कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। समय के साथ वो बड़ी हुई और अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मात्र 21 वर्ष की आयु में ही UPSC की परीक्षा उसने उत्तीर्ण कर ली थी और एक IAS अफसर बन गई थी। वह अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कार्य कर रही थी, उसे लोग जानने लगे थे। आज पास के ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के भी लोग उसके कार्यों की सराहना करने लगे थे। ज्योति ने एक दिन जब TV लगाया तो TV में अपनी बच्ची को उसने देखा। दोस्तों, माँ और बच्चे में अनोखा कनेक्शन होता है और ज्योति ने अपनी बच्ची को जब TV में देखा तो उसे माँ का एहसास हुआ और उसके गालों के तेज से वह जान गई कि यह उसी की बच्ची है। उसने तुरंत अपने पति से उसका पता करवाया और श्यामपुर गांव पहुंच गई। उसने उस बच्ची को सारी हकीकत बताई और विमल तथा शीतल को भी सब कुछ बताया कि किस तरह उसने और उसके पति ने बच्ची को टोकरी में रख गंगा नदी में बहा दिया था। ज्योति की सारी बात सुन उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके माँ बाप उसे इस तरह कैसे छोड़ सकते हैं। साथ ही ज्योति ये चाहती थी कि उसकी बेटी उसके साथ वापस चल पड़े, परंतु ज्योति की बेटी ने साफ मना कर दिया। बच्ची विमल और शीतल को ही अपने माँ बाप मान चुकी थी और वह उन्हीं के साथ जीवन भर रहना भी चाहती थी।
ज्योति और उसका पति निराश होकर घर वापस लौट आए। घर पहुंचे ज्योति ने अपने सास ससुर को सारी बात बताई। ये सारी हकीकत जान उन्हें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि उस बच्ची को गंगा नदी में बहाने के बाद ज्योति और उसके पति को कभी भी दूसरी संतान प्राप्त नहीं हुई थी, और इस प्रकार एक इच्छाधारी नागिन ने एक बच्ची की जान बचाई। तो दोस्तों, आपको ये घटना कैसी लगी? आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।